नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, खासकर महिलाओं से, जहां की मुखिया खुद एक महिला है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ हैवानियत की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां एक बार फिर से एक महिला के साथ बर्बरता और हैवानियत की गई। उसे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उसके बाल भी काट दिए गए। आगे हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले आप हैवानियत की जरा ये वीडियो देख लीजिए, जिसने एक बार फिर से पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आजकल तो डिजाइन फिल बैरे हो रहे थे, छोटे बड़े तो कट रहे हो तो किच्छ आ गए। तो वीडियो में देखा आपने कि कैसे वहां के लोगों की भीड़ एक महिला और दो पुरुषों को बंधक बनाकर रखी हुई है, और एक आदमी कैची से पहले महिला के बाल काटता है फिर पुरुष के। हैरानी वाली बात यह है कि वहां मौजूद लोग उन्हें बचाने की जगह उनका वीडियो बनाते नजर आए, उन पर हंसते हुए नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि इनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। तो आपको बता दें कि महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, उसके ऊपर आरोप लगाने के साथ उससे मारपीट हुई थी। महिला की पिटाई के दौरान उसके बाल काट दिए गए थे। ये वीडियो बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए शिवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। अधिकारी ने लिखा कि कूच बिहार से चोपड़ा तक, अहियादाह से डोमजूर तक पीड़ा जारी है। सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेतरतीब ढंग से कैची लगाकर काट दिए गए। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले क्रूर आरोपी ईशा लश्कर, अब्दुल हुसैन लश्कर, सईम लश्कर, मकबूल अली, इजराइल लश्कर, अरबाज लश्कर और महिबुल्ला मिद्दे टीएमसी पार्टी से निकटता से जुड़े हुए हैं। वहीं इस बार पुलिस ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए एक्शन लिया है। महिला के साथ हुई वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच जारी है। भले ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक सड़क पर इंसाफ होगा, बंगाल में कब तक एक बार फिर से तालिबानी सजा का दौर चलता रहेगा। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अस्थिर है कि राज्य भर में कंगारू अदालतें स्थापित की जा रही है। खासकर महिलाओं के मामले में इस तरीके के बेहूदगी के फैसले ऑन द स्पॉट किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से कानून के खिलाफ है। अगर जनता यूं ही सड़कों पर इंसाफ करने लगेगी तो प्रदेश सरकार आखिर करेगी क्या, ये सवाल जरूर उठता है। सुलगते सवालों का आधिकारिक जवाब कब मिलेगा? क्या बंगाल में तालिबानी इंसाफ चल रहा है? बंगाल को कट्टर कौन बना रहा है? बंगाल में गुंडों को किसका संरक्षण है? टीएमसी के करीबी इसलिए कार्यवाही नहीं होती? ये कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब प्रदेश की ममता सरकार को देने की जरूरत है। सीएम ममता बनर्जी को अब चुप्पी तोड़ने की जरूरत है और महिलाओं के लिए खड़े रहने और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने की जरूरत है। देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसकी सरेआम पिटाई शुरू कर दी गई थी। ऐसे मामले आए दिन पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं। कई मामलों में अपराधियों का संबंध सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी यानी कि टीएमसी से रहा है, जिसके चलते उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।
वहीं सरकार भी अजीबोगरीब जवाब देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती नजर आती है। अभी तक कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया, ना ही पुलिस को सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। देखा जाए तो महिलाओं से होने वाली बर्बरता के बाद कार्यवाही करने के साथ पुलिस को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और कोई भी किसी महिला के ऊपर उंगली ना उठा सके, ना ही उसके सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचा सके। प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।